जन जन के आस्था के प्रतीक और अलवर के आराध्य भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में गणेश पूजन के साथ अलवर का प्रसिद्ध लक्खी जगन्नाथ मेला महोत्सव शुरू हो गया है। आज मंदिर में गणेश पूजन के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिर के महंत ने बताया कि गणेश पूजन के साथ विधिवत मेले का महोत्सव शुरू हो गया है। मुख्य कार्यक्रम 26 जून से रूपबास में होंगे। उन्होंने बताया कि उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी से भगवान की पिछवाई और बंधनवार लगवाई गई है और उसी से ही भगवान की झांकी सजाई गई है। ये अलवर के आराध्य देव है, जहां अलवर सहित उत्तर प्रदेश हरियाणा से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। जिला प्रशासन की देखरेख में ये लक्खी मेला भरता है। मुख्य मेला 6 दिन तक चलता है। प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं और जिला प्रशासन द्वारा इस दिन का अवकाश भी घोषित किया जाता है। 20 जून को प्रातः 8 बजे ध्वज पूजन होगा। इसी तरह 23 जून को सुबह 6 बजे अखंड कीर्तन प्रारंभ होगा। 26 जून को प्रातः 6 बजे अखंड कीर्तन का समापन होगा। दोपहर में झांकी व प्रसाद का वितरण कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद शाम 6 बजे सीताराम की भव्य सवारी निकलेगी, जो सुभाष चौक से रूट बस पहुंचेगी। इसी तरह 27 जून को भगवान जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा निकलेगी, जिसमें दर्जनों झांकियां प्याऊ बैंड करतब करते हुए चलते हुए श्रद्धालु शामिल होंगे। ये सवारी शाम 6 बजे सुभाष चौक से प्रारंभ होगी, जो अलवर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई रूपबास पहुंचेगी। अलवर शहर में 100 से ज्यादा स्थानों पर स्वागत होगा, पुष्प वर्षा होगी। 28 जून को रूपबास में मेला भरेगा। इसके अगले दिन 29 जून को प्रातः 8 बजे सुभाष चौक से जगन्नाथ मंदिर में मैया जानकी की सवारी विशाल भव्य कलश यात्रा के साथ रूपबास पहुंचेगी। उस दिन मेला भरेगा। रात्रि को 10 बजे वरमाला महोत्सव होगा। 30 जून को रूपबास में मेला भरेगा। 1 जुलाई को शाम 5 बजे रूपबास से सवारी प्रस्थान करेगी, जो शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए रात को सुभाष चौक पहुंचेगी। 3 जुलाई को दोपहर 12 बजे ब्रह्म भोज का आयोजन किया जाएगा। गणेश पूजन के साथ और जगन्नाथ जी महाराज की स्तुति के साथ प्रारंभ हो रहा है। आज यहाँ नैनावीराम भगवान की झांकी है, जिसमें आप देख सकते हैं उड़ीसा जगन्नाथपुरी से भगवान की विशेष पिछवाई और बंधनवार जो है वो मंदिर में लगी हुई है। आज गणेश पूजन के बाद 20 जून को ध्वज पूजन होगा, जिसमें भगवान का अभिषेक होगा और पंचामृत वितरण होगा। तत्पश्चात 26 इसमें 3 दिन का अखंड कीर्तन यहाँ पर मंदिर प्रांगण में होगा। मंदिर के रथों को निकाला जाएगा। 26 तारीख को श्री सीताराम जी महाराज की सवारी यहाँ से रूपबास मेला स्थल पधारेगी। 27 तारीख को मुख्य जो है रथ यात्रा श्री जगन्नाथ जी महाराज की धूमधाम के साथ, लवाजमों के साथ, हनुमान के साथ जो है निकाली जाएगी भव्य तरीके से। उसके बाद मैया जी की सवारी 29 जून को, जिस दिन भरमेला होगा, रात्रि को वरमाला महोत्सव मेला स्थल पर होगा और तत्पश्चात मेला वहाँ पर जो रूपबास में श्री रूप हरि जी महाराज का मंदिर वहाँ पर विराजमान है, वहाँ पर ये मेला होगा। और उसके बाद 1 जुलाई को ये रथ यात्रा पूरे लवाज में धूमधाम के साथ यहाँ पर पधारेगी। अलवर के आराध्य देव जो है, इनकी जो स्तुति है, इनके करने से अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लोग मेले में दूर दूर से आते हैं, जिसमें खास तौर पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से और अलवर के पूरे जिले के लोग इसमें उत्साह से भाग लेते हैं।